दिबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक निर्वाचन की मतगणना के दूसरे दिन शेष चार पदों की मतगणना रात्रि लगभग 8:30 बजे पूर्ण हुई, जिसमें कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए काजी सौलत हुसैन को 531, वचन सिंह को 703, महेंद्र सिंह चौहान को 611, मुजम्मिल खान को 653, सचिन शर्मा को 521 और श्रीकांत उपाध्याय को 640 मत मिले। इस प्रकार वचन सिंह और मुजम्मिल खान को कनिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं संयुक्त सचिव में अरुण शर्मा को 259, आवरण अग्रवाल को 383, जहमत को 491, जितेंद्र प्रताप सिंह को 283, दीपिका वर्मा 452, दीप्ति खन्ना 437, नवाज इंतजार 579, पुनीत चौहान 353, पुष्प कुमार यादव 568, भूमि 284, मिंटू सिंह 221, मुकेश कुमार 78, मोहम्मद फरीद 318, राजू 241, रश्मि ठाकुर 181। इस प्रकार नवाज इंतजार, पुष्प कुमार यादव और जरीफ अहमद को संयुक्त सचिव के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर सदस्य कार्यकारिणी सीनियर ग्रुप में अरविंद कुमार सक्सेना को 674, आकाश को 548, आदेश कुमार जैन को 1137, जयप्रकाश वर्मा 579, धर्मेंद्र कुमार शर्मा 629, विजेंद्र सिंह 843, मुकेश कुमार वर्मा 411, मोहम्मद इकबाल 594, राजू राजकुमार गौतम 676, शरीफ अहमद 737, श्याम रंजन भारद्वाज 333, सुरेंद्र कुमार शर्मा 616, सुरेश चंद सागर 468 और हुसैन हैदर नकवी 668 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अरविंद कुमार सक्सेना, आदेश कुमार जैन, विजेंद्र सिंह, मोहम्मद इकबाल, राजकुमार गौतम, शरीफ अहमद, हुसैन हैदर नकवी को विजयी घोषित किया गया। वहीं सदस्य कार्यकारिणी जूनियर ग्रुप में कैलाश सिंह 569, ज्योति दिवाकर 525, तारा सिंह 575, दिव्या चरण 442, नुकुल सिंह 314, नाजिम खान 550, फिरोज आलम 528, वीरेश कुमार शर्मा 480, मैंग शर्मा 746, मुफाहिद अली 580, मोहम्मद तालिब 607, योगेश त्रिपाठी 443, रवि प्रकाश शर्मा 407, विनीत कुमार बंसल 258, शाइस्ता परवीन 807, सुगंधा सैनी 619, सुनील कुमार सक्सेना 522, सोनी शर्मा 496 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार शाइस्ता परवीन, सुगंधा सैनी, मोहम्मद तालिब, मुफाहिद अली, मैम शर्मा और तारा सिंह को सदस्य कार्यकारिणी के लिए विजयी घोषित किया गया। सभी विजेताओं में खुशी का उत्साह दिखा। ढोल और भांगड़े तथा आतिशबाजी के साथ विजेता कचहरी परिसर में घूम घूर कर खुशी मनाई और सभी विजेताओं ने एल्डर्स कमेटी के सीनियर से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और एल्डर्स कमेटी और चुनाव समिति का सभी विजेताओं ने शांतिपूर्वक चुनाव कराने में अपना धन्यवाद अर्पित किया। एल्डर्स कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन विजय गुप्ता ने बताया कि कल सभी विजेताओं को 1:30 बजे बार एसोसिएशन के भवन में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस अवसर पर एल्डर्स कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय गुप्ता, सुभाष चंद गर्ग, सुधीर गुप्ता और जगदीश शरण की देखरेख में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं सहायक चुनाव समिति के प्रयास से चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ, जिसमें संजय सोनी, रमेश सिंह आर्य, विशाल कांत, अजय पाल सिंह, संदीप खन्ना, मनोज गुप्ता, विवेक शर्मा, संजय यादव, अनिल कुमार चौहान, प्रमोद प्रतियेकी, कपिल विश्नोई, अरशद परवेज, नरेंद्र सिंह चौहान, अनिल कुमार चौहान, शमशेर सिंह, आशकार हुसैन, सतीश विश्नोई एवं ओम पाल सिंह आदि का विशेष योगदान सराहनीय रहा। जूनियर कार्यकारिणी सदस्य का जो पद होता है उस पर जीत हासिल करेंगे। क्या प्रयास रहेंगे अब आपके कार्यकारिणी के लिए? सर, मेरे प्रयास रहेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उनमें उनका निपटारा कर सकते हैं। बाकी मेरी जो कार्यकारिणी निकल के आई है, मेरे अध्यक्ष सेक्रेटरी द्वारा मुझे जो भी कार्य
सम्मान दिया जाएगा मैं उसे ईमानदारी से पूरा करूंगी। तो बाकी सर जो भी मान सम्मान है अधिवक्ताओं का या बार और बेंच के बीच जो सम्मान है उसको लेके सर मैं अपने जो मेरे अध्यक्ष सेक्रेटरी उनके उनके बीच में अपना रखूंगी विचार कि किस तरह से उनको क्योंकि मेरा मैं अकेले को कर नहीं सकती कि किस तरह से उनको निपटाया जाए। कितने वोट मिले हैं आपको? सर मुझे 807 वोट मिले और मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बार एसोसिएशन है लाइब्रेरी की 21 सदस्य कार्यकारिणी में आप मात्र महिला के रूप में चुनी गई हैं, तो महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके क्या प्रयास? सर महिला अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले तो मेरा सर यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो वॉशरूम की है, मैं उसकी देखूंगी जैसा भी है। और सर दूसरा मेरी जो चैम्बर वगैरह है मेरी साथियाँ हैं उनके जिनके पास चैम्बर नहीं है दरादर बैठ के काम करना पड़ता है तो उनकी चैम्बर के लिए मैं प्रयास करूँगी और बाकी जो भी उनकी समस्याएं आएंगी मैं उनको पूरा निपटाने का प्रयास करूँगी। साथी अधिवक्ताओं के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अपने साथी अधिवक्ताओं से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे पक्ष में इतने ज़्यादा वोट देके मुझे इतना सफल बनाया तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे उनके ऐसी हमेशा प्यार और इज्जत मिलता रहे। मैं सही सच्ची के लिए चुनाव लड़ा था। कितने वोट थे आपको विजय? देखिए मुझे 587 वोट मिले हैं और मैं प्रथम स्थान पर रहा हूँ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए हमारा मुद्दा सबसे पहले जो मैंने यहाँ से अपने अधिवक्ता साथियों से अपने सीनियर से मैंने एक मंच पर कहा था आज जनरल हाउस की मीटिंग हम नहीं करा पाते मैंने कहा मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा। आज मैं बहुत बहादुरी के साथ इस बात को कह रहा हूँ सबसे पहले जनरल हाउस की मीटिंग कराई जाएगी जो हमारे सीनियर जो साथी अधिवक्ता हैं उनकी जो भी परेशानी है उनके परेशानियों का हम तत्काल समाधान करेंगे। अपने ग्रुप में आप पहले स्थान पर रहे हैं साथी अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहा हूँ और मैं अपने सीनियर से अपने साथी अधिवक्ताओं से यही कहना चाहूँगा जो मुझे प्यार दिया आशीर्वाद दिया मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रजिस्ट्री ऑफिस का एक मुद्दा चल रहा है उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए हमारे कार्यकारिणी प्रत्याशी का दीवार एसोसिएशन में मैं उसमें टोटल 18 प्रत्याशी थे और मेरा उसमें तीसरे नंबर आया और मैं तीसरे नंबर के लिए घोषित हुआ हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे अब आपके क्या मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले रहेंगी जो मेरे अधिवक्ता शादी में जूनियर के अकॉर्डिंग में उनको ज़्यादा सम्मान मिले उनमें चैम्बर की व्यवस्था हो और अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से मैं अधिक से अधिक प्रयास हम लोगों को हमारे जूनियर साथियों को चैम्बर मिले। और दूसरी बात ये कि जो रजिस्ट्री ऑफिस गया था उनको कार्यकारिणी माध्यम से फिलहाल आने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है मैं तुम्हारा जो है एग्जीक्यूटिव में आया हूँ बारे जूनियरों का जो है जो शिक्षण होता है सामान्य न्यायालयों में जगह जगह बाबू द्वारा उसको प्राथमिकता के आधार पर खत्म करने का प्रयास किया है। और जो हमारे जूनियर साथी के लिए जो समस्याएं चैम्बर की रहती हैं उसमें भी मेरा जो है विशेष फोकस रहेगा जितना मैं कर सकता हूँ बढ़ चढ़ के करूँगा। छोटे भाइयों के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर उनकी परेशानी में बिल्कुल तैयार रहूँगा। रजिस्ट्री ऑफिस का भी मुद्दा है न्यायालय परिषद में कचहरी परिषद में उसको हमें लेके आना जी। किस पद पर आप जीते हैं? अरे आओ मुझे भी दिखाओ। क्या मुद्दे थे आपके दिन को लेकर आप सम्मान बड़ों का सम्मान और अब आपके क्या प्रयास रहेंगे? और जो संबंध खराब समझ गया उसको हमेशा।